इसके बाद मैं आपको बात करूं तो पुलिस भर्ती में रनिंग के अलावा एक चीज और आपसे पूछी जाती है, वह है लंबी कूद। लंबी कूद में कई बार आपको प्रॉब्लम होती है, जितने ज्यादा आपके पैर स्ट्रेच होंगे उतनी ही ज्यादा लंबी कूद आप कर पाओगे, इस बात को ध्यान रखें। तो लंबी कूद के लिए आपको करना चाहिए स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग इतनी जल्दी नहीं खुलती है, अगर आप एक बार में खुलने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है पैर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्ट्रेचिंग से संबंधित दो तीन एक्सरसाइज आपको हम बता देते हैं, अभी आप प्रयास करें, धीरे धीरे करके आपको आ जाएगा। देख लीजिए, पहली स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज, इसमें आपको इस तरह से एक पैर को बेंड करना है, फिर जंप करने की कोशिश करना है, फिर दूसरी तरफ से भी सेम करना है। इसमें क्या किया, मैंने पैरों को फहराया, एक पैर को बेंड किया, बेंड करने के बाद जितना नीचे बैठ पाए बैठने की कोशिश की, फिर ऊपर नीचे हल्की सी हमने जंपिंग की। ये भी आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग की दूसरी एक्सरसाइज देख लीजिए, इसमें हमें क्या करना है, इस तरह से एक पैर को सीधा किया, एक पैर को आगे से बेंड करके रखा, हाथों को इस तरह से पकड़ लीजिए, एक हाथ की मुट्ठी बना लीजिए, एक हाथ को उसके ऊपर रख लीजिए, फिर आराम से उठे, उठने के बाद दूसरी तरफ बैठ गए। इसी को हम फास्ट कर लेते हैं। स्लो मैंने इसलिए बताया क्योंकि फास्ट करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। जब आप इसको करते हैं तब आपकी स्ट्रेचिंग बहुत ही आसानी के साथ खुल जाती है, तो आप इसको भी करने की। अब मैं आपको तीसरी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बताता हूं जो कि बैठकर आपको करना होती है। इसके लिए आप आराम से बैठ जाइए, बैठने के बाद दोनों पैरों को अपने मूलाधार चक्र के पास या जिसको कहें बॉटम प्लेस के पास लेके आते हैं, हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए और आराम से पहले एक एक पैर को चलाना है, फिर दोनों पैरों को। इसको बोलते हैं तितली आसन, आप सबको आता ही है। जब तितली आसन आपका पूरा हो जाए फिर आपको यहां पर बैठने की कोशिश करना है। इसको बोलते हैं पूर्ण तितली आसन। ये एक्सरसाइज आपको अगर आ गई तो भी आपकी स्ट्रेचिंग जो है वो खुल जाएगी और आप आसानी से लंबी कूद में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और आप सभी के पास में आती है, वो ये कि पुलिस के लिए माना जाता है कि यदि आप पुलिस की जॉब करना चाहते हैं तब आपके पैर आपस में नहीं मिलने चाहिए, अगर आपके पैर आपस में मिलते हैं तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देख लीजिए, यहाँ के ये ज्यादा जो गैप है आपका रहना चाहिए, यदि ये गैप आपका नहीं होगा तो आपका पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो यदि आपके पैर आपस में जुड़ते हैं तो आपको इसके लिए करना है दो अभ्यास। वैसे इसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज है लेकिन दो अभ्यास आपको करना है। एक करना है गरुड़ासन, दूसरा वातायनासन। वातायनासन हल्का सा कठिन है, पहले देख लेते हैं गरुड़ासन। एक पैर को हम सीधा रख लेते हैं।